करना पड़ेगा। कोचिंग में आपके माँ बाप ने उनका हार्ड अर्न्ड मनी डाला है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा डाला है, शायद वो कोचिंग अफोर्ड नहीं भी कर पाते, लेकिन आपके लिए उन्होंने वो कोचिंग अफोर्ड की है। लेकिन इसके चक्कर में मैंने अपने आप को एक फट्टू का टैग दे दिया कि यार तू तो फट्टू है, आपका सिलेक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी बुक सॉल्व करते हो या फिर आप कितने दिन कोचिंग जाते हो। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज अथर भैया बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। हाँ, मुझे पता है पिछले 7 दिनों से मैं चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो चुका था वो चीज़ें बनाने में, लाने में, जो मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 के लिए प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसीलिए मैं पिछले 7 दिनों में यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, ठीक है। और उस सरप्राइज का आज तुमको एक छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिलेगा, ठीक है जी। वेरी गुड, तो आपको वो एक ग्लिम्स देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा तुमको वो चीज़ देख के, बहुत खुश हो जाओगे तुम लोग, ठीक है जी। हेलो एवरीवन कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज अथर भैया बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और मैं जानता हूँ पिछले 7 दिनों से मैंने यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि जो सरप्राइज मैं आप लोगों के लाने वाला हूँ, मैं उन चीज़ों में थोड़ा सा बिजी हो गया था, है ना। और उस सरप्राइज का ग्लिम्स, छोटा सा ग्लिम्स आपको आज देखने को मिलेगा भी इस वीडियो के अंदर। तो उस चक्कर में मैं यहाँ पर जो है कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। प्लस ये जो आज का वीडियो है ना, इस वीडियो को मैं काफ़ी समय से प्लान कर रहा था, बिकॉज मुझे ये चाहिए कि ये एक वीडियो को देखने के बाद में बच्चे की क्लास 11 पूरी सॉर्ट हो जाए, उसको पता हो कि क्या चीज़ें मुझे करनी है, क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी है, किन किन बुक्स को मुझे फॉलो करना है, कैसे टेस्ट मुझे देनी है, मेरी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, कितने घंटे मुझे पढ़ना है, स्कूल और कोचिंग को कैसे मैनेज करना है, हर एक चीज़ इस एक वीडियो को देखने के बाद में क्लास 11 को लेकर आपकी क्लियर हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ता आप कौन से स्ट्रीम में हो, आप साइंस में हो, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में हो, ये एक वीडियो, मुझे पता है कि ये वीडियो लंबा जरूर होगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर कॉन्टेंट ही इतना सारा है कि ये चीज़ें मुझे फ्रेम करते करते 2 दिन लग गए थे, राइट। क्योंकि मैंने हर एक चीज़, मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस बच्चों के, मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है, हर एक चीज़ को मैंने कंपाइल करके यहाँ पर आज ये वीडियो बनाया है। ये 20 से 25 मिनट का वीडियो अगर आप 1.5x पर भी देखते हो तो भी आपका अगला पूरा एक साल सॉर्टेड है, इस बात की गारंटी है। जब जब आपकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी आपको याद आएगा, नहीं भैया ने ये चीज़ हमें बोली थी, ठीक है जी। विद दैट बींग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ यार हम लोग जो हैं अब बहुत जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर्स में पहुंचने वाले, मतलब हमारी ये जो फैमिली है ये 50,000 मेंबर्स की हो जाएगी देखते ही देखते। तो मैं चाहता हूं कि हम इस एक वीडियो के साथ में जो है हमारी फैमिली 50,000 मेंबर्स ही कर पाएं, ठीक है। तो अगर आप नए हो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, किसी भी स्ट्रीम के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, बिकॉज ये चैनल विल मेक श्योर कि क्लास 11 की बेस्ट कम्युनिटी हम यहाँ पर बिल्ड कर पाएँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था वो ये है कि हम जो हैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही शानदार चीज़ें लाने वाले हैं। तो कुछ एक छोटा सा ग्लिम्स देख लो, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी स्ट्रीम के बच्चे हो, चाहे आप साइंस के बच्चे हो यानी फिर आपने ले रखा है PCM, आपके लिए भी कंटेंट है। फर्क नहीं पड़ता आप कॉमर्स के बच्चे हो और आपने ले रखा है कॉमर्स, जिसमें आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, ये सब पढ़ना है, ठीक है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए भी कॉन्टेंट है। फर्क नहीं पड़ता आपने PCB ले रखा है, ठीक है, यानी कि आप नीट की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी कॉन्टेंट है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी कंटेंट है, और अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी कंटेंट है। फर्क नहीं पड़ता आपकी स्ट्रीम कौन सी है, बहुत जल्दी मैं आप सभी लोगों के सामने बहुत सारा कंटेंट जो है वो फ्री में, कंप्लीटली फ्री इस चैनल के ऊपर लाने वाला हूं। ह्यूमैनिटीज का सैंपल मेरे पास में नहीं है यार, वो एक्चुअली ह्यूमैनिटीज वाला अभी इट इज अंडर मेकिंग, तो मैंने वो यहां पर अभी नहीं शो किया है, पर ह्यूमैनिटीज का भी कंटेंट हमारा डेवलप हो रहा है, ठीक है जी। वेरी गुड, तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो के साथ, और आई होप कि ये देख के जितनी खुशी मुझे हुई है उतनी ही आपको हुई होगी। बहुत जल्दी मैं इसके अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है जी, लव यू ऑल। आगे बढ़ते हैं वीडियो खत्म नहीं कर रहा हूँ, अभी शुरुआत हो रही है। ऑल राइट, तो आज हम लोग किन किन टॉपिक से बात करने वाले हैं, देखो आज का ये वीडियो ना तुम ऐसे समझो कि मैंने बहुत ही रॉ रखा हुआ है, मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारे कोचिंग में ओरिएंटेशन होता है, स्कूल में होता है, उस प्रकार का हम लोग जो है वो बात करें, क्योंकि क्या है ना कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि इसमें मैं तुमको ऐसा फील होने दो कि नहीं यार बस एक वीडियो है वो देखना है निकलना, नहीं। तुम्हें पहले तो ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारा बड़ा भाई तुमको कोई चीज़ बता रहा है, तभी जाके तुम उस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ पाओगे, ठीक है। ओके, हम इन सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, स्कूल वर्सेस कोचिंग, ठीक है। स्कूल में कितनी पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कोचिंग में कितनी पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। कितने घंटे पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सवाल, तुम 9th में थे, 10th में थे, यही सवाल मुझसे पूछते थे, अवेलेबल में आ चुके हो वापस, यही सवाल मुझसे पूछोगे, ठीक है।
बुक्स एंड मटेरियल, किन बुक्स को इस्तेमाल करना है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है, किन दो बुक्स को कंबाइन करके पढ़ना है, किन दो बुक्स को कंबाइन करके नहीं पढ़ना है, हर एक चीज मैंने बताई है, हर स्ट्रीम के लिए बताई और ये चीज, ठीक है। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप अब बड़े बच्चे बन चुके हो, सिलेबस ज्यादा है, पढ़ाई ज्यादा है, स्कूल जाओगे, स्कूल से वापस आओगे, कोचिंग जाओगे, कोचिंग 3-4 घंटों की होगी, स्कूल 4-5 घंटों का होगा, समय कब मिलेगा पढ़ने के लिए, टाइम कैसे मैनेज करें, हम लोग थक जाते हैं, इसके बारे में मैंने बात की है, ठीक है। टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर 11th-12th जर्नी, ठीक है। बैकलॉग्स एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, हर एक चीज को लेकर मैंने बात की है। नोट्स, इसमें मैंने नोट्स लिखे नहीं है, पर मटेरियल के अंदर नोट्स वाली बात भी आ जाती है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं और क्यों बनाने हैं, ठीक है जी। वेरी गुड, शुरुआत करते हैं। और एक एक पॉइंट मैंने एक्चुअली यहाँ पर लिख के भी रखा हुआ है, क्योंकि मैं भाई बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ कि हम जो है वो ऐसे हवा में बात करें, ठीक है। ठीक है जी, नंबर वन शुरुआत करते हैं, स्कूल वर्सेस कोचिंग, ठीक है। पहली बार मैं तुमको क्लियर बता दूं, क्या स्कूल इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। देखो एक बात है कि यहाँ पर अभी 2-3 टाइप के बच्चे हैं। एक बच्चा वो है जो कोटा जाके पढ़ाई कर रहा है, तो वो तो कोटा जाने वाले बच्चे को तो पता ही है कि वो स्कूल तो वो बहुत बाद में जाके ही देखते, ठीक है। स्कूल वो तो कोई उस समय पर मैटर करता नहीं है, राइट, जब आप कोटा जाते हो तो, ठीक है। जो कोटा जा रहा है उसके लिए तो सॉर्टेड है, क्योंकि वो सीधा कोचिंग ही जा रहा है, कोचिंग से घर वापस आ रहा है, स्कूल तो बस नाम के लिए है, ये सिंपल सी फैक्ट है। मैं बात करता हूँ उन मेजोरिटी बच्चों की जो स्कूल भी जाते हैं और कोचिंग भी जाते हैं। देखो, और एक कैटेगरी का बच्चा है जो डमी स्कूल जा रहा है, ठीक है। जो बच्चा डमी स्कूल जा रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, जो बच्चा कोटा में है उसको स्कूल के बारे में कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं वो बच्चे, जिन बच्चों ने जो है वो स्कूल प्लस कोचिंग दोनों वाला ऑप्शन ले रखा है, मतलब आप स्कूल भी जाओगे सुबह और आप शाम को कोचिंग भी जाओगे, ठीक है। मतलब आपको मॉर्निंग में जो है वो स्कूल जाना है ना, आने के बाद में फिर कोचिंग जाना है, राइट। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, 11th class में आपका स्कूल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। I know this feels illegal to know, लेकिन ये फैक्ट है भाई। मैं जब 11th कक्षा में था ना, हमने मतलब तुम समझो कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले पढ़ा है, और आधे बच्चों के तो मेरे क्लास में, आधे बच्चों के पास तो उनकी 11th class की मार्कशीट भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये बात है, वो ली उन्होंने, पता नहीं उनके बैग में पड़ी रहेगी पूरे साल भर, पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये बात है कि 11th class स्कूल टर्म्स में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ का टाइम सेव करके कोचिंग में लगा सकते हो, ठीक है, अपनी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में लगा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए है स्कूल एक तरीके से, क्योंकि आपको अगले साल बोर्ड देनी है, लेकिन जितना आप 10th में डेडिकेटेड थे, 9th में डेडिकेटेड थे, आप यहां पर थोड़ा सा स्कूल के टर्म्स में रिलैक्सेशन पा सकते हो, ठीक है। इसके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिजल्ट मैटर करता है। देखो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई जो पुराने क्लासेस के रिजल्ट्स होंगे वो भी हम लोग बोर्ड्स में कंसिडर करेंगे, पर मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये जो बैच है, जो तुम्हारी बैच है, जो अभी अगले साल 12th में जाएगी, उनके लिए शायद ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। पर फिर भी मैं तुमको बता दूं, अभी खुल्लम खुल्ला तुमको बता देता हूँ, क्लास 11th में, ठीक है, 70-75% लाना बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। अगर तुम्हारे 70-75% आ चुके हैं तो भैया तुमने तो बिल्कुल फोड़ ही दिया है, है ना। इसका मतलब यह है कि एवरेज 60-70-75-80, मतलब 60-70 के बीच में बच्चों के 11th class में मार्क्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद में यह है अटेंडेंस, मैं तुमको बोलूंगा 75% अटेंडेंस जो है वो स्कूल में मेंटेन करके चलना, ठीक है। बाकी के दिन तुमको लगता है कोचिंग में बर्डन ज्यादा है, कोचिंग का काम ज्यादा है, कोचिंग का होमवर्क ज्यादा है, छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैं तुमको बोलूंगा कि अटेंडेंस मेंटेन करके चलना, ये यूं नहीं है कि बस घर पे पढ़े हुए ना कोचिंग जा रहे हो ना स्कूल जा रहे हो, ये मत करना, ठीक है। यहाँ पर 75% का है वो मेंटेन करके चलो। तुमको लगता है कि स्ट्रेटेजिकली भाई मुझे अगर मैं सैटरडे को छुट्टी ले लूंगा तो सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम मिल जाएगा, मेरा पूरा बैकलॉग कवर हो जाएगा कोचिंग का, कर लो, ठीक है। आई नो ये चीज़ कोई बोलता नहीं है, पर भाई की जा सकती है ये चीज़, ठीक है। हमने बहुत की और सभी करते हैं, ये बताने की बात नहीं। ऑलराइट, आखिरी आता है स्किपिंग स्कूल, वही मैंने तुमको यहाँ पर बता दिया है। अब बात करते हैं कोचिंग की। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये पॉइंट मैं वीडियो में 2-3 बार रिपीट कर दूंगा और तुमको सुनना पड़ेगा। कोचिंग में आपके माँ बाप ने उनका हार्ड अर्न्ड मनी डाला है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा डाला है। शायद वो कोचिंग अफोर्ड नहीं भी कर पाते, लेकिन आपके लिए उन्होंने वो कोचिंग अफोर्ड की है। इसीलिए किसी भी इमरजेंसी के अलावा प्लीज मेरी जान कोचिंग को स्किप मत करना। 2 साल शादियां, इवेंट्स, फंक्शंस स्किप कर सको तो करना जरूर, क्योंकि क्या है ना कि यहां पर जो तुमने पैसा भरा है और जो तुम सपना लेके, देखो पैसा सेकेंडरी चीज है, जो तुम सपना लेकर जा रहे हो ना वो सपना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोचिंग जितनी कम स्किप कर पाओ उतनी कम स्किप करना, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा बीमार हो तो कोचिंग मत जाओ, अगर कुछ बहुत बड़ा इशू है घर में तो मत जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि मन नहीं कर रहा तो कोचिंग नहीं जाऊंगा, नहीं, ये नहीं करना अपने को, ठीक है। वेरी गुड, अब
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इस पर आता हूं मैं, नोट्स। एक एक करके मैं चल रहा हूं, हर एक चीज पर टाइम लगा रहा हूं, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि हम इस एक वीडियो को बहुत जल्दी भगा के और दो चार वीडियो इस टॉपिक पर लाएं। एक ही वीडियो लाऊंगा पर बहुत काम का लाऊंगा, मैंने तुमको पहले ही बताया था। कोचिंग के अंदर जब आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो बताया गया, वो बोर्ड पे लिखा गया जो भी है, वो आपकी कॉपी में उतरना चाहिए, और यही होता है प्योर फॉर्म ऑफ नोट्स। या तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो वहां से नोट्स निकाल रहे हो, या तो फिर आप टीचर से पढ़ रहे हो और वहां से नोट्स निकाल रहे हो। किसी से नोट्स उधार लेना, कॉपी मारना, देख के लिखना, ये नोट्स सिर्फ लिखित कागज है और कुछ नहीं है। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि गिवन इंफॉर्मेशन को अपनी कॉपी में छाप लो, नहीं, वो तो बुक में भी है। नोट्स का मतलब ये होता है कि मुझे जो पढ़ाया गया है वो मैंने समझ के अपनी कॉपी में लिखा है, वो आपकी नोट्स है जिनको आप बाद में रिवाइज करोगे। ठीक है, डिफरेंस समझो। किसी से टीपी हुई चीज बस लिखा हुआ कॉन्टेंट है, समझ के लिखी हुई चीज नोट्स होती है। इसीलिए जब भी कोचिंग में जाओ, नोट्स अपने खुद के बनने चाहिए, और इसी में तुमको मैं बात करने वाला हूं, तुम्हारी नोटबुक की। देखो भाई, कंजूसी थोड़ी कम हम करेंगे और थोड़ा सा सीरियस होकर चलेंगे। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपका बिजनेस स्टडीज हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, आपका हिस्ट्री हो, ह्यूमैनिटीज में कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट की अलग कॉपी बननी चाहिए। पहली बात, स्कूल और कोचिंग दोनों अलग हैं। स्कूल का कंटेंट ना तुम कोचिंग के साथ मिक्स करोगे, ना कोचिंग का कंटेंट स्कूल के साथ में मिक्स करोगे। ठीक है, क्लियर है बात। फिजिक्स की अलग कॉपी बनेगी, केमिस्ट्री की अलग बनेगी, बायो की अलग बनेगी, मैथ्स की अलग बनेगी, हर चीज की कॉपी अलग बनेगी। यहां पर एक कॉपी में सारा कंटेंट नहीं लिखना है भैया, तो क्या दिक्कत होगी, मैं तो क्या करूंगा, फोल्ड कर लूंगा पेजेस को। नहीं, देखो, नीटनेस है ना, और आपका ऑर्गेनाइज्ड होना, ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं आपके सिलेक्शन में। ठीक है, इसीलिए पहले बोल रहा हूं, आज जाओ, ठीक है, आज जाओ स्टोर पर, जाओ आपने आसपास के स्टेशनरी पर जाओ, उनको बोलो भैया मुझे जो है आप बढ़िया तीन चार रजिस्टर दे दो। ठीक है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग, और उसी में तुमको फिजिक्स का काम करना है, केमिस्ट्री का काम करना है, मैथ्स का करना है। तुम चाहो तो केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे पास में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीन होते हैं ना, तीनों की भी अलग कॉपी बनाओ, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोटबुक सेपरेशन होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, ग्रेट। अब हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे आगे चल के, ध्यान से देखो। हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या आता है कि भैया मेरा ना सुबह 8 से लेकर 1 के बीच का स्कूल होता है, सबके लिए वेरी कर सकता है, पर हाँ, एक एवरेज 11-12 में जनरली स्कूल के टाइमिंग कम हो जाते हैं, तो एक एवरेज लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, 8 से लेकर 1 का मेरा स्कूल का टाइम है, आने के बाद में 4 से लेकर 8 का मेरा कोचिंग का टाइम है ना। ये कम ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि आप कोचिंग के बाद में रुक के डाउट पूछ रहे हो, है ना, ये सब चीज़ें होंगी आगे जाके। ओके, तो ये अपना टाइम है। अब भैया मैं इस बीच में थक जाता हूँ तो मैं टाइम मैनेज कैसे करूँ? देखो मेरी जान, थकने का कोई इलाज नहीं, सिंपल सी बात है, ये फैक्ट अपने को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। थोड़ी सी हार्श है कि 10th का सिलेबस कम था, 11th का सिलेबस, आपकी आज तक की जिंदगी में जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं सबका मिला के 11th का सिलेबस है। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई ज़्यादा है ना। जब आपको काम ज़्यादा होता है तो आप क्या करते हो, ज़्यादा टाइम लगाते हो, वैसे आपके यहाँ पर पढ़ाई ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइम लगाओगे, ये फैक्ट है। ठीक है, सबसे पहली बात, मैं एक चीज़ जनरली रिकमेंड करता हूँ कि जब भी तुम कहीं से भी आते हो ना, कभी भी आते आते अपना काम चालू मत कर दो, इससे आपका दिमाग सही से चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता। इसलिए मैंने बहुत बार बात बोली है कि जैसे आप स्कूल से वापस आओगे, ठीक है, लुकिंग एट द टाइम, मतलब अगर आपके कोचिंग में और स्कूल में 1-1.5-2-3 घंटे का फर्क है, तो आते से ही ना मस्त 30 मिनट की एक बढ़िया सी नैप ले लो। स्कूल में जो भी हुआ, थक गए, जैसा भी हुआ, 30 मिनट की नैप में पूरी जो थकान है अपनी निकाल दो, इट इज ऑफ फ्रेश। ओके, उसके बाद में अब एक एक करके मैं चीज़ों को लिंक करूंगा। ठीक है जी, अब यहां पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। इसका मैं तुमको स्ट्रेट जवाब देता हूँ, ठीक है, मैं घुमा फिरा के चीज़ें नहीं बोलूंगा। अभी तक तुम क्या कर रहे थे 10th क्लास में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझना, तुम 10th क्लास में अभी तक क्या कर रहे थे कि हफ्ते भर में 2-3 दिन पढ़ लिया, 1-1.5-1.5 घंटे काम हो गया अपना, 11th में ये चीज़ घुसते से ही भगा देना। आपको इनिशियली, देखो अभी तुम शुरुआत कर रहे हो तो मुझे पता है कि थोड़ा समय लगेगा सेट होने में, लेकिन इनिशियली डेली अपने को 4 घंटे की सेल्फ स्टडी से शुरुआत करनी है, मतलब करनी है। ये बहुत कम है, पर दिक्कत यह है कि तुम अभी चालू कर रहे हो, इतना सारा काम एक साथ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ मिनिमम 4 घंटे की सेल्फ स्टडी इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक चीज गांठ बांध लो, अभी क्या अभी लिख लो, अरे भैया मैं तो 11th क्लास में आ चुका हूँ, अब तो ना मैं रोज के 8-8 घंटे पढ़ूंगा, ये एक इतना बड़ा ब्लंडर है। बच्चे क्या करते हैं, 11th क्लास में आएंगे और बहुत जोश में आ जाते हैं कि अरे वाह अब तो 11th में आ गए, अब किसी की नहीं सुन रहा मैं, अब तो मैं रोज 8-8 घंटे पढ़ूंगा। पहले दिन 8 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, पहले दिन 8 घंटे पढ़े,
दूसरे दिन 8 घंटे पढ़े, तीसरे दिन 8 घंटे पढ़े, उसके बाद पूरा हफ्ता भर ठस, है ना, पूरा हफ्ता भर हवा निकल जाती है। ठीक है, क्या होगा कि आप 3 दिन पढ़ के इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे, अपने जीवन से इतना परेशान हो जाओगे कि आप पूरे हफ्ते भर पढ़ने की आपकी इच्छा ही नहीं होगी। इसीलिए ऐसे बच्चे से काफी बेहतर है ऐसा बच्चा जो भाई डेली के 4 घंटे पढ़ रहा है लेकिन मंडे से लेकर संडे 7 दिन पढ़ रहा है। ये होता है जोश, ये होता है जोश विद कंसिस्टेंसी। हमें जोश की जरूरत नहीं है, हमें जोश विद कंसिस्टेंसी की जरूरत है, ये बात समझ लेना। ठीक है, सो ये नहीं करना है, ये करना है। ठीक है, इसलिए मैंने पर कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट लिखा है कि भैया हमें जो है 8-8 घंटे नहीं पढ़ना, क्योंकि 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन मैं गारंटी से लिख के देता हूं नहीं पढ़ पाओगे, और अगर पढ़ोगे तो भी बस पढ़ने का नाटक करोगे, खुद को बेवकूफ बनाओगे, पढ़ नहीं पाओगे तुम। ठीक है, इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? जोश प्लस कंसिस्टेंसी, ओनली जोश, किसी काम का नहीं होता। ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, ये बात ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी से मैं आपके आगे आने वाले पॉइंट्स लिंक करूंगा। देखो क्या होता है कि आप सुबह स्कूल जाओगे, शाम में कोचिंग जाओगे, पढ़ने का टाइम अपने को कम मिलता है, राइट? टाइम मैनेज कैसे करना है डिपेंड्स ऑन आपको पढ़ना क्या है, है ना, पढ़ाई क्या करनी है, इस पर आपका टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करेगा। इसीलिए मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। आज तुमको मान लो फॉर एग्जांपल कोचिंग में जो है केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री सिखाया, ठीक है, ओके, इसमें आपको सिखाया मूल कॉन्सेप्ट। क्या सिखाया? मूल कॉन्सेप्ट सिखाया, एग्जांपल ले रहा हूँ। या फिर आपको मान लो अकाउंट्स में जो है वो बैलेंस शीट टैली करना सिखाए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो। ठीक, अब हमारा टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, बात समझो कि जैसी आप आज घर आए, चलो घर भी नहीं, पहली बात, ठीक है, पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो चीज है ना, अगर आपने कोचिंग में पढ़ी और अगर आपको समझ में नहीं आई, आप अपने टीचर से 5 बार पूछोगे, 10 बार पूछोगे। बहुत सारे बच्चे शर्म में रहते हैं कि अरे मैं पूछूंगा तो मेरी इमेज क्या होगा। भाई अपनी कुछ इमेज नहीं है अभी, मैं तुमको क्लियरली बता रहा हूं, कुछ इमेज नहीं है अपनी, लाखों एस्पिरेंट्स में से हम एक एस्पिरेंट हैं बस। तो इमेज की चिंता क्यों करनी, क्यों करें इमेज की चिंता? भाई वैसे भी ये जो क्लास में बच्चे हैं तो 2 साल रहेंगे अपने साथ में, फिर तो चले जाएंगे, कोई इस कॉलेज कोई उस कॉलेज। तो मैं अपने फ्यूचर के लिए आज अगर थोड़ा सा मुझ पर कोई हंस देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई हंसेगा नहीं, और हंस भी देगा तो अपने को कोई चिंता नहीं है। इसीलिए भाई साहब क्लियरली बता रहा हूं मैं ये चीज, जब तक ये मान लो आज पढ़ाया गया, आज सोने से पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि आज जो तुमने पढ़ा है अगर वो आज का आज क्लियर नहीं होता है, वो कल के दिन पर टल जाएगा और वो कल कभी आएगा ही नहीं। ये वैसा का वैसा रह जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा, अरे यार मूल कॉन्सेप्ट तो मुझे आता ही नहीं है। अब अगर मूल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ सकता, ये चैप्टर नहीं पढ़ सकता, तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो ये लाइन जो है बहुत लंबी होती जाएगी, समझो इस बात को। तुमने अपने टीचर से 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो, फिर से ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि यू हैव पेड फीस, तुम्हारा एक गोल है, एक ड्रीम है, एक सपना है। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके या फिर जो कुछ भी है मतलब, पर एक अच्छी खासी मोटी रकम जो है आपकी कोचिंग में जमा की है। हमें पहली बात तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरी बात हमारा जो गोल है, चलो पैसे को हम लोग थोड़ी देर साइड में भी रख देते, तो हमारा जो गोल है ना, वो भी बहुत बड़ा है, राइट? और अगर सिर्फ 1 या 2 चीज़ें पूछने से अगर मैं उस गोल में कंसिस्टेंट रह पाता हूं, तो मुझे कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपने 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, फिर भी अगर उस टीचर से आपको समझ में नहीं आ रहा है, घर पर आओ, YouTube पर जाओ, लाखों वीडियोस अवेलेबल हैं, वो देखो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, लेकिन भाई मैं फिर से बता रहा हूं कि आज का पढ़ाया गया आज ही पढ़ लेना। ठीक है, मैं तुमको बता दूं जनरली होता क्या, आज एक टॉपिक पढ़ाया, फिर दूसरा पढ़ाया, है ना, फिर हमने ये तो पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, अब तीसरा टॉपिक हमको जैसे ही पढ़ाया, हमको वो टॉपिक समझ में नहीं आया, तो हमने क्या किया, उसको स्किप कर दिया कि बाद में पढ़ लेंगे। अब हुआ क्या कि चौथा टॉपिक जो था वो थर्ड से लिंक्ड था, थर्ड के कारण चौथा टॉपिक अपने को समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके कारण हमने को टेंशन होने लग गया कि अरे आज चौथा टॉपिक तो मुझे आ ही नहीं रहा, ये वो। ठीक है, जैसे आप अब क्या करोगे, आप जाओगे थर्ड पे, है ना, मैं तुमको बताता हूँ बैकलॉग कैसे क्रिएट होता है। अब तुम जाओगे थर्ड पे, है ना, तुम थर्ड पे गए, तुम थर्ड पढ़ रहे हो, उतने में कोचिंग में 5th टॉपिक खत्म हो गया, है ना। आज जब तुम थर्ड टॉपिक पर हो, कोचिंग ने 5th टॉपिक खत्म कर दिया। ठीक है, इस तरीके से क्रिएट होता है बैकलॉग, और ये अपने को नहीं करना है।
ठीक है। मैंने क्या बहुत अमेजिंग चीज़ लिखी थी है ना, और ये मैं जनरली जो है वो मैंने इस बारे में कहीं बात नहीं की है, पर ये चीज़ एक बार ध्यान रखना, इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना और इस लाइन को यहीं पर लिख लेना। आपकी प्रिपरेशन में आज की पढ़ाई गई चीज़ों को पढ़ने के लिए कल समय और जगह दोनों नहीं है, ठीक है। आज की पढ़ाई गई चीज़ को कल पढ़ने के लिए कल ना तो आपके पास समय है और ना जगह है। क्यों? क्योंकि कल एक नया टॉपिक खड़ा है आकर अपनी जगह बनाने को। समझ रहे हो बात को? आज की पढ़ाई गई चीज़ के लिए आज का ही दिन है, तो उसको आज के दिन में ही खत्म करो। ओके, क्लियर है बात? तो ये कुछ चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट सी, ये अपने को ध्यान रखनी है। और मैंने देखो हर एक चीज़ ना नोट डाउन कर रखी, इसलिए मैं क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि हम कुछ भूल जाए, तो इसका मॉरल यही है कि आज की पढ़ाई गई चीज़ आज ही होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, जो कि है बुक्स, ठीक है। बुक्स, बहुत सारे बच्चे जो है वो कन्फ्यूज रहते हैं कि ये बुक लूँ, वो बुक करूँ, ऐसी बुक करूँ, वैसी बुक करूँ। अब तुमको यहाँ पर मैं बुक्स के बारे में बताऊँगा एक्जैक्टली कौन सी बुक्स लेनी होती है हर एक सब्जेक्ट के लिए, लेकिन एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ। देखो, आपका सिलेक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी बुक सॉल्व करते हो, या फिर आप कितने दिन कोचिंग जाते हो, है ना, या फिर आप जो है वो 20-25 घंटे पढ़ाई करते हो जिसका आउटपुट बिल्कुल जीरो है। इस बात से मैटर करता है कि हम लोग किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से फोड़ पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट के लिए 5-6 बुक्स खरीद के नहीं रखनी है। वो चीज़ हम लोग कर चुके हैं, है ना, उस दौर से हम गुजर चुके हैं। तुमने भी की होगी सेम चीज़, 10th के अंदर 4 बुक्स लेकर आ गए होगे, लेकिन पढ़ी उसमें से एक भी नहीं होगी। ये तो 11th है, या तो हर छोटी छोटी चीज़ पे डिप्रेशन होने लगता है। इसीलिए पॉइंट नंबर 1, हम लोग बुक्स का भंडार अपने टेबल पर नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, कुछ ही बुक्स का इस्तेमाल करेंगे, और उन्हीं बुक्स से आपकी सफिशिएंट तैयारी हो जाती है, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो जाती है। समझ लो ये बात को। इसीलिए नंबर 1 रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि भैया बुक्स जो हैं जितनी कम उतनी अच्छी। फिजिक्स के लिए आप एच सी वर्मा लेके आ गए, आप ये लेके आ गए, वो लेके आ गए, 10 बुक्स लेकर आ गए, कोचिंग का मटेरियल है, कोचिंग का मॉड्यूल है, अब कंफ्यूज है किससे पढ़ना है। उसमें पता क्या लगता है, ऐसा लगता है कि आपको 10-10 बुक्स सॉल्व करनी है, ठीक है, वेरी गुड। इसीलिए नंबर 1 चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, कोचिंग में दिया गया जो मॉड्यूल है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोचिंग में आपने जो भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको एक मॉड्यूल मिला होगा। ये जो आपका मॉड्यूल है, ठीक है, ये जो अपना मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल के अंदर काफ़ी सारी सफिशिएंट चीज़ें होती हैं, एंड अगेन यू हैव पेड फॉर दिस मॉड्यूल, क्योंकि आपकी कोचिंग की फीस में इंक्लूडेड होता है ना, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, राइट। ये मॉड्यूल में आपकी मैक्सिमम चीज़ें कवर्ड होती हैं, तो ये मॉड्यूल प्लस आप जो क्लास में बैठ के बनाते हो वो नोट्स, ठीक है, प्लस आपको जो भी इस मॉड्यूल के साथ साथ PYQs दिए गए होंगे वो, ये सब मिला के आपकी इनफ प्रिपरेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमको हर एक सब्जेक्ट के लिए 1-2 बुक लेनी होती है, ठीक है, वो हम लेंगे। तो बात ये समझो कि भाई जेई नीट के जब मैं बात करता हूँ, है ना, तो जब मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री अकेला नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर आपके 3 सेगमेंट्स हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ये तीनों के बुक्स बारे में आपको बताऊंगा, फिर फिजिक्स हो गया, मैथ्स और बायो, है ना। कॉमर्स के अंदर अगेन अपना अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स, और अगर कोई बच्चा कॉमर्स विद मैथ्स ले रहा है तो उसको भी मैथ्स जो है वो पढ़ना है। ह्यूमैनिटीज से मैं बात करता हूँ तो एक सिंपल सा आंसर है, NCERT ही सब कुछ है, NCERT का ही वचन, NCERT का ही शासन, ठीक है, NCERT सब कुछ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। आपको NCERT पर ही फोकस करना है। ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को लेकर आपको अपनी स्क्रीन पर एक जो है वो इमेज दिख रही होगी, फोटो दिख रहा होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखता फिर वो अच्छे से फोटो वोटो नहीं आ पाता, इसलिए मैंने एक प्रॉपर आपको एक शीट बना के दे दी है, ये शीट का इस्तेमाल करो और इसमें आपको सारी बुक्स देखने को मिल जाएंगी। मतलब ऑफकोर्स जो जो भी बुक्स हैं आपकी, DC पांडे, HC वर्मा, एरोडोव, है ना, कोचिंग का मटेरियल हो गया, सोलोमन्स हो गई, उसके बाद में एन अवस्थी हो गई, OP टंडन, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है इस फोटो के अंदर, आप जो है इसे यूज़ कर सकते हो। आपके कॉमर्स के अंदर भी TS ग्रेवाल, उसके बाद में फिर अपना जो संदीप गर्ग है, ठीक है, मतलब संदीप गर्ग वाली जो बुक्स हैं, है ना, वो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है। ओके, वेरी गुड। तो बुक्स का अपना मामला सॉर्टेड है, लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये नहीं कि 10-10 बुक लेकर आ गए। और एक और बात है कि तुम चाहो तो अपने सीनियर से बुक्स बोरो कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टेस्ट्स, DPPs, होमवर्क एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले बात करूंगा टेस्ट्स की। देखो क्या होता है कि जब बच्चा 11 में जाता है उसकी पहली ना कोचिंग में टेस्ट होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि पहली टेस्ट के लिए तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, अरे वाह, कोचिंग की टेस्ट, ये वो, दुनिया भर की चीज़ है, राइट। लेकिन जैसी आपकी फर्स्ट टेस्ट होगी ना, अभी आपकी कोचिंग में भी आने वाली होगी,
मैं तुमको बताऊंगा क्या क्या होता है। जैसे आपकी फर्स्ट टेस्ट होती है, कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ बच्चों के बुरे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, गुड मार्क्स एंड बैड मार्क्स, ठीक है। दोनों के ही अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं, मैं तुमको बता दूं क्यों। सबसे पहले बात करते हैं गुड की। जैसे आपको अच्छे नंबर आते हैं ना, आपको लगता है कि भाई बस इतनी ही प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है और आप उसी फ्लो में चलते हो, वो क्या होता है कि वो चीज़ हमारे अंदर घुस जाती है कि अरे वाह मैं तो कर लेता हूँ। इस चक्कर में जैसे ही बच्चा सेकेंड टेस्ट पर पहुँचता है, उसके मार्क्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो सीख है मिलती कि अगर अपने पहले टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, हमें ये बात समझनी है कि हमें और बहुत चीजें सीखनी है और इसको एज अ रिवॉर्ड लेना है रैदर देन बूस्टिंग ऑफ योर ईगो, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज बात करते हैं जिनके गंदे नंबर आए हैं। अब क्या होगा, जैसे आपकी फर्स्ट टेस्ट के बाद में गंदे नंबर आते हैं ना, क्या होता है कि आप एक सोशल सर्कल बनाते हो कोचिंग के अंदर भी अपनी, है ना। अब चार पांच आपके दोस्त है, पूरी क्लास है, क्लास के सामने आपकी एक अच्छी इमेज बनी हुई होती है। हम सब लोग ट्राई करते हैं कि अपनी अपनी अच्छी इमेज बना लें, ठीक है। लेकिन होता क्या कि जैसे आपके पहले टेस्ट के मार्क्स आते हैं, और मार्क्स तो जनरली डिस्प्ले विस्प्ले हो जाते हैं, सबके मार्क्स दिखते हैं, ठीक है। जैसे गंदे नंबर आते हैं, हमने जो इमेज बना रखी थी वो इमेज जो है वो थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है, राइट। कभी कभी शायद हमको टीचर सबके सामने डांट भी देते हैं, तो उस कारण से भी अपनी इमेज थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है, जिसके कारण हम इन टेस्ट से डरने लगते हैं। मतलब जहां पर ये टेस्ट आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए थी, वो आपके लिए एक प्रेस्टीज इश्यू बन के रह जाती है, ठीक है। इसीलिए एक बात का ध्यान रखना कि भाई ये जो दो साल आपके साथ बच्चे रहने वाले हैं, कोई इसमें से ये कॉलेज जाएगा, वो कॉलेज जाएगा, ये सब साथ नहीं रहेंगे। तो आपको अपना सोचना है। बच्चे इसके बाद क्या करते हैं कि फर्स्ट टेस्ट देने के बाद में गंदे नंबर आए, तो उनको पता रहता है कि भाई सेकंड टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, जिस कारण से वो क्या करेंगे, सेकंड टेस्ट देने ही नहीं जाते। मैं तो टेस्ट नहीं दूंगा, मैं तो क्या है कि मेरी जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं तो सीबीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं टेस्ट पास नहीं दूंगा। गलत चीज है ये, बहुत बहुत गलत चीज है। ऐसी एक दो टेस्ट मैंने खुद ने स्किप की थी, और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार टेस्ट स्किप करने से हो सकता है कि मैं टेस्ट के रिजल्ट वाले दिन थोड़ी सी बदनामी से बच जाऊं, लेकिन इसके चक्कर में मैंने अपने आप को एक फट्टू का टैग दे दिया कि यार तू तो फट्टू है, तुझे तो ना टेस्ट से डर लगता है, क्यों, क्योंकि तेरे नंबर कम आएंगे। नंबर कम आने के कारण अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, ये नहीं करना, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ शून्य मार्क्स भी आने तो भी टेस्ट दो, क्योंकि एक चीज जो अपने को भगानी होती है 11th क्लास में अपने अंदर से, वो होता है डर, ठीक है। इसीलिए आपको हर टेस्ट देनी है, टेस्ट मिस मत करो, ठीक है। इसी क्योंकि क्या है कि टेस्ट से आपको आइडिया लगता है कि यार मैं कितने टाइम में कितने सवाल कर पाता हूँ, इतना मुझे और पढ़ना है, इतनी एक्यूरेसी मेरी और होनी चाहिए। जब तक टेस्ट दोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलता, सिंपल सी बात, सिर्फ पढ़ के काम बिल्कुल नहीं चलता, है ना। और मैं तो एक और चीज़ बोलूंगा कि अगर आपकी वीकली टेस्ट नहीं होती, अगर एक वीक छोड़ के होती है, तो हर संडे ना खुद घर पर प्रैक्टिस किया करो, खुद खुद को सवाल दिया करो 20-25-30 और खुद प्रैक्टिस किया करो, है ना। क्योंकि क्या है कि आपकी एक्यूरेसी भी बढ़नी चाहिए, और ये दो साल में सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट मैटर करेगी वो ये है कि आप कितनी एक्यूरेसी के साथ में आपके सवाल का जवाब दे पाते हो, है ना। ग्रेट, बात करते हैं डीपीपीएस की। अगेन यही पॉइंट आ जाता है कि जो आज पढ़ाया गया है वो आज की डेट में ही खत्म हो जाना चाहिए, डन, खत्म बात। ये चीज अगर कल गई, मैंने तुमको बताया कि किस तरीके से आपका बैकलॉग क्रिएट होता है। अभी तुम्हारी शुरुआत हो रही है, अभी शुरुआत बस कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए मैं तुमको बोलूंगा कि भाई ये चीज फॉलो कर लो, ठीक है। तुम बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे, मैंने तुमको ये चीज बोली है, राइट, वेरी गुड। बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो अगेन भाई कितने घंटे हमको पढ़ना है, मैंने तुमको वो चीज जो है वो बता दी है, ठीक है। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि कोचिंग का मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग ने दी गई डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस पेपर, नाम यही है, डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। हमें इसको डेली करना है, एक रूटीन बना लेना है, जैसा हमारा रूटीन होता है ना घर आने के बाद रील्स देखने का, वीडियोस देखने का, है ना, होता है ना, ठीक है। तो ये चीज का भी अपना एक रूटीन बन जाना चाहिए, ये मिस नहीं करना अपने को। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो टेक अवे है इसमें से, वो है नोट्स का। नोट्स का मतलब मैंने तुमको समझा दिया है क्या होता है, नोट्स मतलब छापना नहीं होता, समझ के लिखी हुई चीज को हम लोग नोट्स कहते हैं, ठीक है जी। विद दैट बीइंग सेड, दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। हर एक चीज इस वीडियो की इंपॉर्टेंट थी, मैंने हर एक चीज आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्लियर करके बताई है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने जितने भी दोस्त हैं आप सबके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि जो है वो सबका भला हो पाए। एंड हम लोग मिलते हैं अगले बहुत ही शानदार, बेहतरीन इसी तरीके के एक मजेदार वीडियो के साथ में। टिल देन 11वीं में फोड़ते रहो, तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ में है, तुम्हें जो भी लगता है, जो भी परेशानी आती है मुझे बताओ, हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। और बहुत सारे अपडेट्स के लिए आप जो है वो पढ़ ले 11th 12th के टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है जी। विद दैट बीइंग सेड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस फैमिली का हिस्सा होना मत भूलना, क्योंकि हम लोग क्लास 11 की सबसे बिगेस्ट और बेस्ट कम्युनिटी बिल्ड करके दिखाएंगे, ठीक है।
वेरी गुड. विद दैट बीइंग सेड, दिस इज अथर्व भैया साइनिंग ऑफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, लव यू ऑल. और ये सारी चीजें मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ. मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी छोटा भाई बहन किसी भी बुरे फेस से गुजरे. बस मेरा एक इतना सा गोल है. विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय.